जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पिछले एक महीने के अंदर 7 बड़े हमले या मुठभेड़ हुई हैं। आतंकियों ने कभी सेना के वाहन को निशाना बनाया है तो कभी तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ सोमवार यानी 15 जुलाई की शाम शुरू हुई मुठभेड़ रात भर चलती रही। ये मुठभेड़ सोमवार शाम जम्मू संभाग के डोडा से 300 किलोमीटर दूर गांव कोटी के सियाधार चौड माता वन क्षेत्र में हुई। बता दें कि आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिस जवान समेत 4 जवान शहीद। इस मुठभेड़ पर एक सेना अधिकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक सैन्य अधिकारी समेत 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। घायलों के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक अधिकारी समेत 4 जवानों की जान चली गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है घटनास्थल पर और सुरक्षा बलों को भेजा गया है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान। सेना के अधिकारी के अनुसार मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने शाम करीब 7:45 पर वन क्षेत्र संयुक्त घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने रात को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर सेना और पुलिस की ओर से डोडा के उत्तर में सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान जारी था। रात लगभग 9 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ जिसके बाद भारी गोलाबारी शुरू हुई थी। बता दें कि इससे पहले उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 24 घंटे पहले सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। नियंत्रण रेखा के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी बड़े हमले की तैयारी में थे। पुलिस और सेना के सतर्क जवानों ने उनके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया है। डोडा हमले की जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? कश्मीर टाइगर। डोडा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर संगठन ने लिया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का शैडो आतंकवादी संगठन के रूप में काम करता है। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सुर्खियों में आया था। पुलिस के अनुसार यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का शैडो समूह था। पहली बार जून 2021 में दक्षिण कश्मीर में ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी ली थी। दिसंबर 2021 में आतंकवादी संगठन ने श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत और 11 अन्य घायल हो गए थे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर टाइगर जैसे विभिन्न नए आतंकवादी संगठनों को पुलिस ने हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 2 अन्य मिलिटेंट संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF और पीपुल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेज यानी PAFF बने हैं। पुलिस का अनुमान है कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश जैसे आतंकी संगठन बैकग्राउंड में सक्रिय रहे हैं। तो ये था डोडा में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।